हेलो दोस्तों, कैसे हैं? फिर सब अच्छे हो? आज मैं बताने जा रही हूँ आपकी ये दो मशीन के बारे में। ये जो मैंने ये वाला मशीन मैंने फ्लिपकार्ट से मंगाया था 400 रुपये में, और ये वाला मशीन मैंने अमेजोन से मंगाया था 250 रुपये में। तो मेरे लिए तो दोनों ही मशीन बहुत अच्छी है, क्योंकि मैंने यूज करके देखा तो दोनों ही मशीन बहुत अच्छी हैं। दोनों मशीन बहुत अच्छे से सब्जियाँ काट देती हैं। तो इसके साथ मुझे कौन कौन सा साँचा मिला, कितना साँचा मिला, अभी मैं आपको बताती हूँ। और इसे कैसे यूज करना होता है वो भी मैं आपको बताती हूँ। तो सबसे पहले जो है ना, इसको हम ऐसे ढक्कन खोल लेते हैं, और इस क्या कहते हैं, ऐसे डिब्बा दिया जाएगा। इस डब्बे में जो है ना, मतलब कि इसके ऊपर ये लगाया जाएगा ढक्कन। ये मैंने ढक्कन लगा दिया इसका, ये जो है ना, ये ले ढक्कन नीचे का लगे, ऊपर से फिर ये ढक्कन खोलना है। और इसके साथ मुझे कितना साँचा मिला मैं आपको बताती हूँ। तो यहाँ पे जो है ना, मुझे कितना 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो यहाँ पे जो है ना, मुझे ये 9 साँचे दिए गए हैं। पूरा टोटल पूरा 9 साँचे दिए गए हैं। और ये चिप्स काटने का जो है ना, ये मुझे 2 दिए गए हैं। सब डबल डबल दिए गए हैं, ये देखिए 2 हैं। लेकिन ये जो है ना, जैसे चिप्स काटने के लिए होता है पतला वाला, तो वो है। और ये जैसे हम चाकू से सब्ज़ी काटते हैं ना, थोड़ा मोटा मोटा जैसे कटता है चाकू से, ये इसके लिए सब्ज़ी काटने के लिए है। और ये वाला जो है चिप्स काटने के लिए दिया है। तो यहाँ ये छोटा वाला साँचा कैसे लगाना है इतने बड़े डब्बे में, तो मैं आपको बताती हूँ। ये जो है ना, इसके लिए ये साँचा दिया गया है। तो इस साँचे में जो है ना, ये जितने भी छोटे छोटे हैं ये सब बैठ जाएंगे। तो मैं आपको बताती हूँ, ये देखिए, जैसे कद्दूकस करने के लिए गाजर जो घसने वाले, ये भी 2 दिए गए हैं। ये बड़ा वाला है और ये छोटा वाला है। तो आपको जो सा यूज करना है तो आप यूज कर सकते हैं। तो मुझे तो अभी इनमें से किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, तो अभी मैं बाकी का सब उठा के रख दूँगी। खाली एक ही निकालूंगी जो चिप्स काटने वाला है, वही निकालूंगी, क्योंकि मुझे जो है ना थोड़ा मतलब बच्चे के लिए चिप्स उप्स बना के देना पड़ता है, तो उसके लिए। तो इसके जो है ना, इसमें ऐसे ज्वाइंट कर लेंगे। यहाँ पे देखिए दिया गया है, ऐसे ज्वाइंट कर लेंगे ऐसे लगाने के बाद। और फिर है ना, हम इसको इसमें ऐसे लगाएंगे। ये यहाँ पे ऐसे लग गया है। आप हमें जो भी कुछ भी काटना उठना हुआ तो हमें ना आराम से ऐसे प्रेस करते रहेंगे। ये जो जो भी हम सामान काटेंगे तो सब जो है ना इस डब्बे में नीचे गिरता रहेगा। डब्बे मतलब जैसे गिरता है ना, जैसे पूरा घर मतलब गंदा गंदा हो जाता है, फैल जाता है, देखो ऐसे कुछ भी नहीं होने वाला। जो भी है ना सब इस डब्बे में आ जाएगा, अच्छे से मक्खियों की भी नहीं लगेगा। आप इसे पैक करके बंद करके भी रख सकते हो, सामान को ढक के भी रख सकते हो इसी से। तो इसके साथ जो है ना, अभी मैं आपको बताती हूँ ये वाला साँचा निकाल के। अभी जैसे हमें इस वाले साँचे की ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ पे जो है ना, ये वाला भी साँचा दिए गए, ये वाला भी साँचा दिए गए। तो इसके साथ जो है ना, हमें इसकी ज़रूरत नहीं, खाली ये वाले दिए गए हैं। यहाँ पे देखिए, जो मतलब कि सब्जी काटने के लिए जाल दिया गया है, ब्लेड, इसमें जो है ना ब्लेड लगाया गया है अलग अलग डिजाइन के। तो आपको जैसे सब्जी काटनी हो आप काट सकते हो। तो मुझे जैसे भुजिया वजिया बनानी होती है आलू की, तो मैंने इस छोटे वाले की छोटे वाली जाली में आलू रखती हूँ तो काट लेती हूँ। उसमें क्या कहता है, एकदम बारीक बारीक कट जाता है और अच्छे से बन भी जाता है। तो मुझे जैसे कि आलू की भुजिया बनानी होती है, तो मैं यहाँ पर आलू रखती हूँ। आलू रखने के बाद इसे ढक्कन को ऐसे प्रेस करती हूँ ज़ोर से, तो ये क्या होता है ना, आलू कटता नीचे डब्बे में गिर जाता है। ठीक है, अगर जैसे आपको यहाँ पे जैसे कुछ फंस जाता है, और यहाँ पे जैसे आपको जैसे कुछ काटते हैं आलू जैसे काटते हैं तो फंस जाता है, तो इसको निकाल इसमें से निकालने के लिए कैसे, यहाँ पे एक बटन दिया गया है, ये देखिए यहाँ पे, ये जो ग्रीन कलर का बटन दिया गया, इसे ऐसे अंदर के साइड में दबाएंगे तो यहाँ पे जो है ना बाहर को निकल जाएगा। आप उसे आराम से निकाल सकते हो, धो सकते हो। और उसके बाद जो है ना, इसी वाले साँचे, ये वाला साँचा दिया गया है। तो यहाँ पे जैसे आपको जैसे वो आलू काटते हैं ना मोटा मोटा और सब्जी के लिए, तो आपको यहाँ पे चौखर नाला दिया गया है काटने के लिए। और यहाँ पे जैसे लंबा लंबा सब्जी वब्जी काटते हो, शिमला मिर्च उर्च वो भी काट सकते हो। और यहाँ पे मुझे जो एक ये दिया गया है अदरक घसने के लिए, और यहाँ पे आलू छोड़ने के लिए दिया गया है, इससे आप अदरक घस सकते हो, आलू भी छोड़ सकते हो। और ये वाला मशीन जो है, जैसे कि आप प्याज टमाटर या फिर जैसे कि कुछ भी चौपंग करना होता है, तो आपको से कूटनी से कूटते हैं या फिर मिक्सर में पीसते हो दरदरा, तो आपको ना मिक्सर में पीसने की ज़रूरत नहीं है। तो मेरे पास ये है, तो मैं इसमें ही पीसती हूँ ज़्यादातर, अच्छा पीस जाता मतलब कि चौपिंग हो जाता है। तो अभी मैं आपको इसमें चौपिंग करके बताती हूँ कि कैसा होता है। इसमें एक ही ब्लेड दिया गया, इसमें ना 5 ब्लेड वाला भी आता है,
कि 5 ब्लेड वाले में क्या होता है ना कि थोड़ा बड़ा रहता है, तो मैंने जो है ना 3 ब्लेड वाला मंगाया, 1, 2, 3, तो यहाँ पर मैंने 3 ब्लेड वाला मंगाया है, 5 ब्लेड वाला, क्योंकि छोटे में भी वही काम होता है जो अपने होता है, बड़े में भी वही होता है। तो मैं आपको ना प्याज मैंने यहाँ पर काट के रखी है, तो मैं आपको चॉपिंग करके बताती हूँ अभी। यहाँ पे ऐसे डाल देते हैं प्याज, और उसके बाद ये ऐसे डिब्बा लगाने के बाद ऐसे करना है, और आपको जो है ना हाथ ऐसे सीधा ऐसे ही रखना है, क्योंकि अगर हम ऐसे अंदर को साइड में लेंगे ना, तो अगर आप ऐसे घसोगी तो आपका हाथ यहाँ पे है ना मतलब कि चप सकता है, जब ये तो आपका हाथ दुख भी दुखी दर्द बतेरा करेगा, तो आप ना हमेशा हाथ ऐसे रखिए और ऐसे करके ऐसे प्रेस करते रहिए। तो यहाँ पे मैंने देखी चॉपिंग करके आपको बताया, एकदम बारीक बारीक चॉपिंग होगी, पता भी चल रहा होगा इसमें, ये देखिए ये देखो इतना चॉपिंग हो गया है ना, कितना अच्छा लगता है इसमें, मतलब कि अच्छे से आराम से हो जाते हैं, और जैसा हम चक्कू से काटते थे कैसे आँखों में लगता है ना, और आप इसमें जैसे भी आपके ऊपर बात है, जैसे कि आपको मोटा रखना है, बारीक रखना है, जैसे रखना है मीडियम साइज में जैसे आपको रखना है ऐसा कर सकते हैं, और तो जैसे हम चक्कू से काटते तो आँखों में लगता है, इसमें क्या होता है ना आप किस में प्याज मिर्ची जो भी काटते हैं तो आँखों में नहीं लगने का डर रहता है, इसमें आराम से चॉपिंग होता है, डब्बे में गिरता रहता है, आँखों में भी नहीं लगता है। यहाँ पे जो है ना एक बटन दिया गया है, ये देखिए, अगर हम इसको ऐसे यहाँ पे जो बटन दिया गया है ना, अगर हमें इसका कुछ काम नहीं तो हमें इसे नीचे दबा के ऐसे बटन बंद कर सकते हैं, और जैसा कि हम यूज़ करना हो तो यहाँ से बटन प्रेस कर दिए तो खुल जाएगा। तो आपको इन दोनों प्रोडक्ट में से कौन सा अच्छा लगेगा आप मुझे बता दीजिए, मैं आपको लिंक दे दूँगी। तो चलते हैं, इस वीडियो को करते हैं यहाँ पे एंड, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए, मिलता है हमसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके, बाय बाय।